गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए प्रारंभिक भारत का परिचय, जो कि राम शरण शर्मा जी की किताब लिखी हुई है। तो इससे आज चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें। देखिए आज हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है भौगोलिक ढांचा है। देखिए यहाँ पर जो भौगोलिक ढांचा वाला चैप्टर है, ये इसमें लगभग 50% आपको भूगोल का पोर्शन पढ़ने को मिलेगा। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि भूगोल का पूरक है या फिर भूगोल इसका पूरक है, कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे भौगोलिक ढांचा में ये पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में हमारे पास जो भौगोलिक संसाधन है, कौन कौन से भौगोलिक संसाधन रहे हैं, कहाँ कहाँ उनमें परिवर्तन आया है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है हमें। देखिए आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले ये जो अपना भारतीय उपमहाद्वीप है ये अस्तित्व में आया है, यानी इसका आविर्भाव हुआ है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप का आविर्भाव हुआ या अस्तित्व में आया। ठीक है, देखिए ये जो भारतीय उपमहाद्वीप था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप था, इसका जो प्रायद्वीपी वाला हिस्सा था, प्रायद्वीप का मतलब मैंने बताया था तीन तरफ से कोई हिस्सा जो समुद्र से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप बोला जाता है, तीन तरफ से घिरी हुई भूमि के स्थल को प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं प्रायद्वीप वाला हिस्सा, ये आपको पता है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, यानी कि ये जो नीचे वाला जो हिस्सा आपने पढ़ा होगा भूगोल में, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इसके अलावा देखिए मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास जो माजिद हुसैन जी की किताब थी जो भूगोल की, उसकी पीडीएफ नहीं थी, वरना मैं उसका यहाँ पे पोर्शन लगा देता कि गोंडवाना लैंड से कैसे कैसे अलग हुआ, क्या क्या हुआ। आप लोग एक बार इस यानी कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उस पुस्तक को उठा के और देख लें, वहाँ पर चैप्टर 3 या 4 में आपको वो सारे चित्र मिल जाएंगे जिनके जरिए आप समझ जाएंगे कैसे ये गोंडवाना लैंड से पोर्शन अलग होकर हमारा भारतीय उपमहाद्वीप बनाया, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वहाँ भी बड़े आराम से बड़े अच्छे से समझाया गया है चित्रों के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग को जाके जरूर देख लें, यहाँ पर हमारा नोट करने का पोर्शन है तो हम नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र जो है हमारा, ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, अरब और दक्षिणी अमेरिका के साथ दक्षिणी बृहत महादेश का हिस्सा था, और इस बृहत महादेश को गोंडवाना लैंड कहते हैं, यानी इस बृहत महादेश को जो है गोंडवाना लैंड कहते हैं, ये इसका हिस्सा था। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जो गोंडवाना लैंड था पहले ये उत्तरी बृहद महादेश लॉरेशिया के साथ मिला था। देखिए हमारे भूमि के अगर भूगोल में अगर आपने पढ़ा होगा तो भूगोल में हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के भूमि के हिस्सों को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में ये डिवाइड किया गया है भूमि के हिस्सों को। ठीक है, तो आपने पढ़े भी होंगे 6 हिस्से, और नहीं पढ़े हैं फिर से आप, मैं बोल रहा हूँ आपको कि माजिद हुसैन जी की किताब उठा के देख लीजिए, वहाँ पर आपको तो पढ़ने को मिल जाएगा कौन कौन से 6 पार्ट थे हमारे, यानी कौन कौन से 6 पार्ट हैं, कौन कौन सी 6 अलग अलग भूमि के टुकड़े हैं यानी प्लेटें हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सब पॉइंट आपका सेकंड का, पहले गोंडवाना लैंड उत्तरी बृहद महादेश लॉरेशिया के साथ मिला हुआ था, यानी पहले जो गोंडवाना लैंड वाला पोर्शन था ये उत्तरी बृहद महादेश लॉरेशिया के साथ मिला हुआ था, बाद में जो उत्तरी ये बृहद महादेश है ये वहां से कटकर अलग हो गया, और कटकर अलग होने के बाद धीरे धीरे यानी प्लेट विवर्तन की, जिसे टेक्टोनिक रिक्रोयंस बोलते हैं, इसके क्रिया के फलस्वरूप अलग हुआ, यानी गोंडवाना लैंड विभिन्न भागों में टूट गया, और ये भाग जो था ये प्रायद्वीप सहित भारत सहित इससे अनेक इकाइयां बनी, और आकर जो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं यानी कि उत्तर भारत के ऊपर वाले पोर्शन देख रहे हैं इससे आगे टकराया, इसके टकराने से क्या हुआ, हिमालय की उत्पत्ति हुई, और बीच का जो यहां पर हमारा टैथीज भूसन्नति है, टैथीज का भूसन्नति सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, यहां पर देखिए इस किताब में जिक्र नहीं किया गया, मैं थोड़ा भूगोल में चला जा रहा हूं, तो आपने सब पढ़ा होगा टैथीज सागर बहता था पहले, तो उसकी जगह हमारा जो है हिमालय की उत्पत्ति हो गई यहां पर, यानी कि ये कोई एक साल में कंप्लीट नहीं हुई संरचना, एक साल में कंप्लीट नहीं हुई, इसमें हजारों लाखों वर्षों का परिवर्तन हुआ है तब ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारा जो हिमालय पर्वत है एकदम नवीन पर्वत है, नवीन निर्मित पर्वत है, ये भी आपने पढ़ा होगा, यानी प्राचीन पर्वत नहीं है, प्राचीन पर्वत का उदाहरण नहीं है, नवीन पर्वत है, नया बना हुआ पर्वत है। ठीक है, तो यहां पर सेकंड पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, सेकंड का सब पॉइंट भी आपने नोट कर लिया होगा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है आपका, आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच में भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। ठीक है, यानी कि आज से लगभग जो वैज्ञानिकों ने टाइम आंका है, टाइम का आकलन किया है, ये किया है आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख
वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच भारत जो है वो यूरेशिया वाला जो अपना जो यूरेशिया वाला कॉन्टिनेंट का हिस्सा देखते हैं इस महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ने लगा। तो ये जब उत्तर की ओर बढ़ रहा था तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे उत्तर की ओर टकराव हुआ, टकराव के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती चली गई, बीच का जो टैथिस सागर जो बहता था वो यहाँ पे भर गया, उसकी जगह उसके जो निचले हिस्से में जो है आप देखते होंगे गंगा का जो मैदानी इलाका है वो मैदानी इलाका बन गया, तमाम नदियां फूटी वहां पर, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आप जो है भूगोल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप फिर से रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आज से लगभग 5 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 3 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व के बीच भारत यूरेशियाई महादेश में शामिल होने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है देखिए यह जो है वो 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व फैला था, यानी कि यह जो था यह 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व, ठीक है, तक सिंधु गंगा के मैदान के निर्माण में हिमालय ने अपनी नदियों के द्वारा यहां पर भूमिका निभाई है। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं चौथा पॉइंट कि 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व सिंधु गंगा के मैदानों का निर्माण प्लाइस्टोसीन काल में हुआ, यानी कि ये 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व मध्य का जो टाइम है ये प्लाइस्टोसीन काल बोला जाता है, यानी ये जो टाइम बोला जाता है ये प्लाइस्टोसीन काल बोला जाता है। इसी में ही आपके जो सिंधु और गंगा के मैदान है इनका निर्माण हुआ है प्लाइस्टोसीन काल में, और इसका टाइम जो है प्लाइस्टोसीन काल का 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु गंगा के मैदानों का निर्माण प्लाइस्टोसीन काल में हुआ, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट है, देखिए यहां पर आपको पता होगा जो भारतीय उपमहादेश है, भारतीय उपमहादेश में आज जो आप देखते होंगे पोर्शन यानी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सब भारत उपमहादेश के भाग थे, ये सब भारत उपमहादेश के भाग थे। आपने जो प्राचीन मैप वगैरह देखे होंगे यानी कि जो एंशियंट टाइम के जो मैप जो आपने देखे होंगे आज से लगभग हजार साल के 500 साल पहले के मैप बने हुए देखे होंगे, तो उनमें आपने पाया होगा कि ये सब जो पार्ट हैं यानी कि हमारा उधर अफगानिस्तान तक का जो पोर्शन है, अफगानिस्तान का जो हिंदुकुश पर्वत जो लगता है वहां तक का पोर्शन हमारा ही था, तो पूरा जो हमारा भारत का हिस्सा था, भारतीय उपमहादेश का हिस्सा था, ये तो बाद में विभाजन वगैरह तो बाद में हुआ है, ठीक है। तो भारतीय उपमहादेश इसका कुल क्षेत्रफल जो था लगभग इन सब कंट्रियों को यानी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान इन पांचों कंट्रियों को अगर मिला दें तो इसका क्षेत्रफल बैठता है 42,02,500 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका कुल क्षेत्रफल जो है 42,02,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का 32 लाख के करीब पड़ता है, 32 लाख, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए पांचवा पॉइंट, इसका कुल क्षेत्रफल पांचवा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसका कुल क्षेत्रफल 42,02,500 वर्ग किलोमीटर है। यह पांच उपमहादेशों बटा है, कौन कौन से पांच उपमहादेश हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, यानी कि वर्तमान में पांच उपमहादेशों बट गया है, पहले एक ही उपमहादेश था भारत के नाम से विख्यात था, ठीक है, तब उसका क्षेत्रफल जो था 42,02,500 वर्ग किलोमीटर था, अब यह पांच उपमहादेशों बट गया, इन पांचों का सम्मिलित रूप से यहां पर लिख दिया है यहां पर, ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की जो भौगोलिक इकाई है ये उपोष्णकटिबंध में पड़ती है, ये आपको पता होगा, यहां से हमारी कर्क रेखा होकर गुजर रही है भारत के में से, नहीं 8 राज्य जो आपके 8 स्टेट हैं, 8 स्टेट से आपके जो है कर्क रेखा होकर यहां पर गुजर रही है, 23.5 डिग्री जो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाली रेखा है वो हमारे यहां से होकर गुजर रही है, ठीक है। अच्छा आपको पहला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आज आपसे, जो कर्क रेखा है वो किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है, यानी उन 8 स्टेटों के नाम आप बताएंगे, ठीक है, उन 8 स्टेटों के नाम क्या क्या हैं वो कमेंट में आपको बताने हैं, अब मैं प्रश्न पूछा करूंगा आपसे, आपको उनके जवाब देने होंगे, ठीक है, तो उनके नाम आप बताएं कमेंट में। देखिए हमारे यहाँ जो है ये हमारा भारत जो उष्णकटिबंधीय पड़ता है, यहाँ पे अच्छी खासी यानी गर्मी भी रहती है, ठीक है, यहाँ पर भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से और यहाँ जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून यहाँ जून से अक्टूबर तक रहता है, दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आता है वो जून से अक्टूबर तक यहाँ वर्षा करवाता है और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में से पानी बरसता है, ठीक है। देखिए प्राचीन काल में भी यही सिस्टम था, प्राचीन काल में उस समय कोई सिंचाई का कोई विशेष महत्व नहीं था, जो खेती थी वो पूरी तरह से वर्षा पर ही निर्भर रहती थी, यानी कि जो प्राचीन भारत के लोग थे पूरी तरह से वर्षा पर ही डिपेंड थे, यानी बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, चाहे भूखे मर जाएंगे हम, यही कंडीशन थी, ठीक है, यानी बांध वगैरह का कोई सिस्टम था नहीं, नदियां प्राकृतिक रूप से नदियां थी, ठीक है, आज की तरह नहरें नहीं बनाई गई थी कि नहरें खींच दी गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय, ना डैम थे ना कुछ था, ठीक है। तो आप छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से अक्टूबर तक रहता है,
जून से अक्टूबर तक रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर उत्तरी भारत में जाड़े में वर्षा होती है। ये पूछा जाता है कि भारत में ये काफी बार पूछा गया है, जो मतलब आपके भूगोल में काफी बार पूछा भी जाता है, ऑप्शन दे देते हैं कि उत्तर भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा किस विक्षोभ के कारण होती है या किस मानसून के कारण होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ठीक है। तो यहाँ आपका अगला पॉइंट है, यानी कि आपका सातवां पॉइंट होगा, सातवां पॉइंट आपको नोट करना है, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में जाड़े में वर्षा होती है। और उस समय आपको पता है अपने यहाँ जब जाड़े में वर्षा होती है उस समय गेहूं, जौ, इन सब की फसलें होती हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होती है वर्षा, ठीक है। अब वहीं जो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर जो तमिलनाडु का कोरोमंडल वाला तट है, यहाँ पर वर्षा जो होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है, मेघालय साइड से जो मानसून आता है, उससे यहाँ पर वर्षा होती है। तो आठवां पॉइंट आप लिख लेना कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में ज़्यादातर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। जिसका जो समय है, ब्रैकेट में लिख लेना अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ब्रैकेट में लिख लेना अक्टूबर से मध्य दिसंबर, यानी आप समझ जाएंगे जो समय इसका जो है अक्टूबर से मध्य दिसंबर का समय है, यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। देखिए पहले क्या था, मैं प्राचीन काल की बात बता रहा हूँ, जो पहले के लोग थे, यानी कि पहली ईसा की पहली सदी में आपको पता होगा व्यापारी लोगों जो हैं वो मानसून के हिसाब से चलने, यानी कि उन्हें मानसून का ज्ञान हो गया था, यानी कि बारिश कब कब होती है, किस किस मौसम में बारिश होती है, किस मौसम में हमें जाना सही रहेगा या वहाँ पर हमें उतरना हमारे लिए लाभप्रद रहेगा, क्योंकि पहले कोई इतने कच्चे पक्के बंदरगाह नहीं थे जैसे आजकल हाईटेक बंदरगाह हैं, उस टाइप के नहीं थे, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्हें ज्ञान हो गया था, यानी मानसून का, भारतीय मानसून का ज्ञान हो गया था, और जो विभिन्न जगहों का जो मानसून उनका ज्ञान हो गया था उन लोगों को कि भाई किस मौसम में हमें चलना है, किस में नहीं चलना है, ठीक है। तो ये लोग जो थे पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से चलकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया आना और फिर उत्तर पूर्वी मानसून के उतरने पर पश्चिम की ओर लौट जाना शुरू कर दिया, यानी कि ये लोग जो थे पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर क्षेत्र से चलकर जब आते थे तो दक्षिण पूर्व एशिया आते थे तो उत्तर पूर्वी मानसून के समय उतरते थे और बाद में ये उत्तर पूर्वी मानसून जैसे ही हट जाता था उसके बाद ये लौट के चले जाते थे, यानी कि मानसून का ज्ञान हो गया था, मानसून के अकॉर्डिंग ये लोग यात्रा करने लगे थे, मानसून के अकॉर्डिंग ये लोग व्यापार करने लगे थे। ये आपके लिए जनरल अवेयरनेस के लिए था, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवा पॉइंट देखिए हिमालय के बारे में आप जानते होंगे। हिमालय जो हमारा हिमालय है ये आपके उत्तर से आने वाली बर्फीली ठंडी साइबेरिया की हवाओं को रोकता है, यानी आपको ये तो पता ही होगा कि हिमालय एक प्रहरी की भांत खड़ा हुआ है जो कि उत्तर से आने वाली जो आपकी ठंडी हवाएं हैं, यानी कि हिमालय साइबेरिया से चलकर जो मध्य एशिया को पार करके जो ठंडी हवाएं आती हैं, उत्तर ध्रुवीय ठंडी हवाएं आती हैं, उन्हें रोकता है, उनसे रक्षा करता है, साथ ही साथ उनसे तो रक्षा करता ही करता है, इसके अलावा जो हमारे दुश्मन हैं, यानी कि हमारे जो अन्य दुश्मन हैं उनसे भी ये रक्षा करता है, ठीक है। तो हिमालय यानी कि सामरिक रूप से भी हिमालय का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, सामरिक ऐतिहासिक रूप से भी, भौगोलिक रूप से भी काफ़ी महत्व रहा है। इसके अलावा जो हिमालय की जो आपकी तलहटी है, यानी हिमालय की तलहटी जो हमारी रही है बहुत हरियाली फूट रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा बहुत कुछ अच्छे जो बागान हैं, जैसे सेब वगैरह के बागान हैं, वो भी यहाँ पर मिलते हैं ठंडे इलाकों में, ठीक है। तो हिमालय हमारे लिए, हिमालय की जो घाटी है बहुत दृष्टियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अब यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया गया है, हिमालय का जिक्र करने का रीज़न ये है, यहाँ पर देखिए उस समय व्यापार प्राचीन काल में व्यापार होता था, तो प्राचीन काल में व्यापार होता कैसे था, जब हिमालय वहाँ पे उत्तर में तो हिमालय खड़ा हुआ है प्रहरी की वहाँ, तो व्यापार कैसे होता था, देखिए तब व्यापार होने का साधन क्या था, दर्रे, यानी कि जो दर्रे आपने दर्रा वर्ड सुना होगा, यानी कि बीच में घाटी टाइप बन जाती है, यानी बीच में गहरा सा वो बन जाता है, रास्ता बन जाता है, दर्रा बोलते हैं जिसे, तो दर्रों के माध्यम से लोग निकल के आते थे, उनसे हमारे यहाँ व्यापार होता था, ठीक है। तो आप नवा पॉइंट नोट करेंगे हिमालय के उत्तर पश्चिम में सुलेमान पर्वत श्रृंखला, ठीक है, पर्वत। अब इसी में नवे पॉइंट में सब पॉइंट लिख लेना, इसमें दर्रे कौन कौन से हैं, यानी कि सुलेमान पर्वत में दर्रे कौन कौन से हैं, खैबर बोलन और गोमल दर्रे ये सुलेमान पर्वत श्रृंखला में ही पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, नवे का पहला सब पॉइंट नोट कर लिया, अब नवे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत जो है श्रृंखला बलूचिस्तान में किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, ठीक है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है, ठीक है। तो आप नवे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, दक्षिण की ओर सुलेमान पर्वत श्रृंखला बलूचिस्तान
किरथार पर्वत श्रृंखला से जुड़ी है, जिसे बोलन दर्रे से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये आवागमन था हमारे यहाँ जो, यानी मध्य एशिया से व्यापार जो हुआ है वो प्रागैतिहासिक काल में इन्हीं दर्रों के माध्यम से हुआ है। यानी कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए जनरल अवेयरनेस में कि जो हिमालय प्रहरी की मात खड़ा था तो व्यापार कैसे हुआ, यानी हिमालय जब खड़ा था तो व्यापार कैसे हुआ, दर्रों के, उन दर्रों से व्यापार हुआ, उन दर्रों के माध्यम से लोग हमारे यहाँ आए, प्रवासी आए, अप्रवासी लोग आए, यानी भारत में व्यापार करने आए। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट आप नोट करेंगे, नवा पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है, दसवां पॉइंट आप नोट करेंगे, सॉरी दसवां पॉइंट कहां गया, हाँ दसवां पॉइंट आप नोट करेंगे, दसवां पॉइंट आप नोट करेंगे, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो है ये हिंदुकुश कहलाता है, ये लिख लीजिए आप, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार जो है इसे हिंदुकुश बोलते हैं, हिंदुकुश हिमालय या हिंदुकुश बोलते हैं। ठीक है, ये और नोट कर लेना दसवां पॉइंट, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी विस्तार हिंदुकुश कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नोट करके एक बात लिख लीजिए आप, नोट करके एक बात लिख लेना नीचे, नोट करके लिखना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में या प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था, प्रागैतिहासिक काल में इन दर्रों से भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था, ये लिख लेना आप नोट में। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हिमालय में, हिमालय में कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं, यानी कि बैलीज, घाटी जिन्हें बोलते हैं बैलीज, तो ये भी हैं वहां पर। ठीक है, यानी घाटी, यानी उपत्यका जो बर्ड है, एक नेपाली बर्ड है, उपत्यकाएं इसे नेपाली बर्ड है ये एक तरह से। ठीक है, तो इसका जो अंग्रेजी मूल है वो अंग्रेजी में लिख लेना बैलीज, आप समझ जाएंगे बैलीज का मतलब घाटी या उपत्यकाएं, एक ही बात है ये, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो हिमालय में कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं हैं, यानी कि बैलीज है, घाटी है, तो ये आप 11वां पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, हिमालय में कश्मीर और नेपाल की उपत्यकाएं ब्रैकेट में बैलीज हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा प्राचीन काल में जो कश्मीर घाटी है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई थी, इसके अलावा इसकी अपनी अलग जीवन पद्धति थी, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का प्रभाव अच्छा खासा पड़ा था, यानी कि यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध धर्म जो है आया था, यानी बौद्ध धर्म यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म का उदय हुआ था, और जहाँ के अभी भी अनुयायी जो है लद्दाख वाली साइड में, तो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार हुआ था। ठीक है, तो 11वें पॉइंट में आप सब पॉइंट करके लिख लेना, 11वें पॉइंट में सब पॉइंट करके लिख लेना आप कि कश्मीर मध्य एशिया के इलाके में बौद्ध प्रचार स्थल के रूप में उभरा, कश्मीर जो था वो मध्य एशिया के इलाके में बौद्ध प्रचार स्थल के रूप में उभरा। ठीक है, ये 11वें का सब पॉइंट है आपका। ठीक है, अब चलिए एक बार, ये आपकी पुस्तक में ही मैप था, तो आप वैसे तो ये मैप सबने देखा हुआ है, इसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं पूरा, आप सब जानते हैं, देखिए ऊपर का तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सब कुछ जानते हैं, नीचे का मैं बता दूंगा यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर भी जो हिमालय था, हिमालय की जो कश्मीर वैली थी, नेपाल वैली थी, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था, यानी चरभाई, जो आधुनिक विश्व में चरभाई वाला चैप्टर आपने पढ़ा था क्लास 9th में, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम था, ये यानी कि लोग जो थे वो, यानी कि गर्मियों के मौसम में, सॉरी सर्दियों के मौसम में नीचे उतर आते थे, यानी कि जब वहाँ पर घास नहीं रहती थी सर्दियों के मौसम में ऊपर, तो वो नीचे ग्राउंड में आ जाते थे अपने जानवरों को लेकर, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई अपने फिर से ऊपर पहुँच गए, यानी वही सिस्टम यहाँ पर पहले भी था, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वही सिस्टम वहाँ पर बना हुआ था। ठीक है, देखिए ये था यहाँ पे कश्मीर को मध्य एशिया का, ठीक है, तो आप देख चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां पॉइंट आप नोट करेंगे, आप 12वां पॉइंट आप, सेकंड, 12वां पॉइंट आप नोट करेंगे, 12वां पॉइंट। ठीक है, देखिए ईसा पूर्व 12वां पॉइंट आपका जो है कश्मीर का, देखिए जो आपको पता होगा प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो बस्तियों का विकास हुआ था उनके बारे में आप जानते होंगे कि लोग नदियों के किनारे आके बसे थे, बसने का रीजन ये था कि उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता थी, जल की आवश्यकता थी, पेड़ पौधों की आवश्यकता थी, यानी कि हरे भरे वनों की आवश्यकता थी, वो सब आवश्यकताएं किसी नदी के किनारे ही पूर्ण हो सकती थी, तो इसलिए लोग जो थे नदियों की घाटी में आकर बसे। ठीक है, नदियों की घाटी में ही आकर उन्होंने अपना प्रथम आवास स्थल बनाया। ठीक है, तो 12वां पॉइंट आपका नोट करेंगे आप, ईसा पूर्व छठी सदी में सबसे पुरानी कृषि बस्तियां तराई वाले इलाकों में ही बनी। ठीक है, 12वां पॉइंट आपका यही है, ईसा पूर्व छठी सदी में सबसे पुरानी बस्तियां तराई इलाकों में बनी।
ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐतिहासिक भारत जो हमारा रहा है इसमें नदियों का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ऊपर से हमारा देश जो उष्णकटिबंध में पड़ता है तो यहां पर वर्षा भी बहुत अच्छी खासी होती है। वर्षा का वितरण आपको पता होगा, यानी पश्चिम से पूर्व जाने पर, यानी वेस्ट से ईस्ट जाने पर, यानी डब्ल्यू से ई समझ जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट जाने पर बढ़ता जाता है। यानी जैसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे वर्षा का जो वितरण है बढ़ता जाता है, यानी कि पूर्व में वर्षा जबरदस्त होती है जबकि पश्चिम में कम होती चली जाती है। यानी राजस्थान साइड में जो है आप देखेंगे आपको जो थार का डेजर्ट वगैरह है वहां पर वर्षा ना के बराबर होती है, तो पश्चिम से पूर्व यानी कि जो है यानी बढ़ती चली जाती है वर्षा। तो उस वर्षा का भी असर पड़ा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक तो नदियों के क्षेत्र थे, सिंधु का मैदान था, सिंधु गंगा जल विवाद यानी गंगा की घाटी थी, ब्रह्मपुत्री घाटी थी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे वार्षिक वृष्टिमान यानी कि वर्षा जो है बढ़ती जाती है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ते 250 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। तो ये जो चीजें हैं यानी वर्षा ज्यादा बढ़ने का जो रीजन था, यानी कि जब वर्षा ज्यादा बढ़ती जाती है तो वहां पर रीजन क्या है, जो पहाड़ी इलाका है जो आपका ब्रह्मपुत्र वाला है वहां पर बहुत कठोर हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे जैसे आप पश्चिम वाला जो हिस्सा है यानी बेस्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर इतना कठोर नहीं मिलेगा आपको, जैसे जैसे पूर्व में बढ़ते चले जाएंगे वो हिस्सा बहुत ज्यादा कठोर मिलता जाएगा, क्योंकि तो हिमालय वाला पोर्शन पड़ता है, मैं दिखा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हम जब यहाँ से यहाँ बढ़ेंगे यानी कि हम ये वाला यहाँ से हम जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे तो ये पूरा आप देख रहे हैं नेपाल का जो हिमालय वाला जो पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ये पोर्शन होने की वजह से यहाँ पे पूरा पहाड़ी यानी पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जमीन जो है बड़ी कठोर टाइप की है, यानी पथरीली टाइप की जमीन है जिस पर खेती करना इतना आसान नहीं है, जिस पर खेती करना इतना आसान नहीं था उस समय। ठीक है, तो जो बस्तियाँ थी प्राचीन काल में, तो बड़ी बस्तियां जो बनी यानी कि उन पर इतनी खेती करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उस समय क्या था कि इन क्षेत्रों में जो आपके ये वाले क्षेत्र थे, ये क्षेत्र जो थे, इन क्षेत्रों में जो संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा थे, जैसे तांबा वगैरह जो आपके खनिज वगैरह हैं वो यहाँ पर ज़्यादा थे। तो बस्तियों का विकास पश्चिम से पूर्व में होता चला गया, यानी इसी वर्षा के वितरण के बारे में, वर्षा के वितरण के हिसाब से जो बस्तियों का विकास है पश्चिम से पूर्व की ओर होता चला गया। होने का रीज़न क्या था कि यहाँ पे खनिजों के भंडार थे, तो खनिजों के भंडार में से लोगों ने अपने अपने जो जो आपके धात्विक जो खनिज हैं वो निकाले, उनसे हल टाइप बनाए, हल से जो कठोर जमीन थी उसे जोता और जोत कर वहाँ पर खेती करने लगे। ऊपर से वर्षा का तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी होती थी, तो वहाँ पर उन्हें दोहरा लाभ हुआ। तो बस्तियाँ जो थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर लोग बसते चले गए। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, आप नोट कर लेना 13वां पॉइंट है कि बड़ी बस्तियों का विस्तार आमतौर से पश्चिम से पूर्व की ओर होता गया। ठीक है, यानी बड़ी बस्तियों का जो विस्तार था ये आमतौर पर पश्चिम से पूर्व होता गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका 14वां पॉइंट है। देखिए सिंध और गंगा के मैदानों में, यहाँ पर बढ़िया फसल भी होती थी, और सिंध और गंगा के पश्चिमी मैदान जो थे, सिंध और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ की उपज होती थी। तो 14वां पॉइंट आप नोट कर लेना, सिंध और गंगा के पश्चिमी मैदानों में गेहूं और जौ की उपज होती थी। ठीक है, और 14वां पॉइंट देखिए यहाँ पर सिंध और गंगा के पश्चिमी मैदानों में मुख्यतः गेहूं और जौ होता था, जबकि इसके मध्य और निचले गंगा के मैदानों में मुख्यतः चावल होता था। ठीक है, लिख लिया ना, मध्य और निचले गंगा मैदानों में मुख्यतः चावल। ठीक है, अगला सब पॉइंट 14वें यानी सेकंड सब पॉइंट है, देखिए चावल मुख्यतः गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का मुख्य भोजन बन गया, क्योंकि ये जो गंगा के यानी कि मध्य और निचले गंगा के मैदानों में चावल का जो उत्पादन होता था, इस वजह से गुजरात के लोगों का और जो विंध्य पर्वत के आसपास रहने वाले थे दक्षिण के लोग, तो इनका ये मुख्य भोजन चावल बन गया प्राचीन टाइम में। ठीक है, तो ये लिख लेना, चावल गुजरात और विंध्य पर्वत के दक्षिण के लोगों का भोजन बन गया। ठीक है, 15वां पॉइंट है, देखिए हड़प्पा संस्कृति का उद्भव जो हुआ है वो डैश लगा के लिख लेना, सिंधु घाटी में, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव डैश लगा के सिंधु घाटी में। ठीक है, 15वां पॉइंट आपका यानी कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव आपने पढ़ लिया। अब 16वां पॉइंट है आपका, देखिए वैदिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ है ये पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ है। ये पूछा जाता है वैदिक संस्कृति वाला हर बार पूछा जाता है, यहाँ पर लड़के मात खा जाते हैं कि वैदिक संस्कृति का उद्भव कहाँ पे हुआ। वैदिक संस्कृति का उद्भव तो हुआ है पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब वाले हिस्से में हुआ है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का सिंधु घाटी में हुआ है। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में,
ठीक है, लिख लेना आप कि वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में है, और इसका जो विकास हुआ यानी कि जो वैदिक संस्कृति का उद्भव तो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हो गया, लेकिन इसका जो विकास हुआ है वो गंगा घाटी के मैदानों में हुआ है। वो डेस्क यानी कि सोलह में का सब पॉइंट करके लिख लेना आप कि इसका विकास और विकास पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ है, यानी पश्चिमी गंगा घाटी के मैदानों में हुआ है या पश्चिमी गंगा घाटी में हुआ, ठीक है। यानी वैदिक संस्कृति का उद्भव जो हुआ है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ है, लेकिन इसका विकास यानी जैसे जैसे बाद में बढ़ी कहां पर है तो बढ़ी ये गंगा की घाटी के मैदानों में बढ़ती चली गई, पश्चिमी गंगा की घाटी के मैदानों में ये जो है संस्कृत बढ़ती चली गई है, कहने का मतलब यहां पे ये है, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, सत्रहवां पॉइंट है। देखिए वैदिकोत्तर संस्कृति जो थी यानी कि जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, ये मध्य गंगा घाटी में फूली फली। ये लिख लेना आप कि वैदिकोत्तर यानी कि वैदिक संस्कृति के बाद वाली, जिसे वैदिकोत्तर बोलते हैं हम वैदिक संस्कृति के बाद, तो वैदिकोत्तर संस्कृति जो थी ये जो कि लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी ये मध्य गंगा घाटी में फली फूली, मध्य गंगा घाटी में फली फूली। सत्रहवां पॉइंट आप नोट कर लेना। देखिए यहां पर अब उस समय यानी प्राचीन काल में जो निचली गंगा घाटी थी और उत्तरी बंगाल का जो विकास था ये गुप्त युग में आके हुआ, यानी कि जो उसका मुख्य रूप से विकास हुआ है ये गुप्त युग में हुआ है। तो 18वां पॉइंट आप नोट कर लेना कि निचली गंगा घाटी और बंगाल का विकास डैश करके गुप्त युग में, ठीक है। वहीं आपका असम और ब्रह्मपुत्र घाटी का जो विकास हुआ है ये मध्य युग में हुआ है, ठीक है। यानी कि 19वां पॉइंट आप नोट कर लेना असम और ब्रह्मपुत्र घाटी डैश लगा के मध्य युग में महत्व, ठीक है। आप समझ जाएंगे इससे कि ये कब कब इनका विकास हुआ है, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे यहां से, ठीक है। अब देखिए अगली हेडिंग जो है आपकी ये है प्राचीन काल की संचार व्यवस्थाएं। यानी प्राचीन काल में संचार व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग संचार और यातायात एवं सीमाएं किस प्रकार से हुआ करती थी, ठीक है। तो आप देख लेना प्राचीन काल में संचार कोमा यातायात व राज्यों की सीमाएं, यातायात व सीमाएं, ठीक है, ये हेडिंग है, ये आप डाल लेना, ठीक है, ये आप डाल लेना प्राचीन काल में संचार यातायात व सीमाएं। ये सीमाएं किस तरह की थी, देखिए प्राचीन काल में पहले यहां समझ लेते हैं, प्राचीन काल में संचार और यातायात के रूप में, ठीक है, यानी कि हम संचार कोई मैसेज भिजवाना है या यातायात करना है तो उसके लिए हम नदियों का प्रयोग करते थे, क्योंकि नदियां ही उस समय थी, रोड बनाना आसान था नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी उस तरह की थी नहीं कि हम सड़कें बनाते वहां पर या जंगलों को समतल करते, इतना ज्यादा संसाधन भी नहीं थे, हम इतने ज्यादा विकसित भी नहीं थे। तो उस समय पहला पॉइंट आप डाल लेना कि नदियों का प्रयोग हुआ, यानी कि आप समझ जाएंगे इससे कि संचार व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमने किसका प्रयोग किया, नदियों का प्रयोग किया, ठीक है। देखिए यहां पे पहले मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, उसके बाद आप बढ़ेंगे कि जो संचार यातायात के लिए नदियों का प्रयोग किया गया, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नगर थे वो नदियों के किनारे बसाए गए, ठीक है। इसके अलावा जो राज्यों की सीमाएं यानी राज्यों की सीमाएं जो निर्धारित होती थी वो भी प्राचीन काल में नदियों के जरिए निर्धारित होती थी कि भाई फलाने से फलानी नदी के मध्य तक फलाना राज्य रहेगा, फलानी नदी के मध्य उस राजा का राज्य रहेगा। तो इस तरह से पुराने टाइम में सीमाएं जो थी वो नदियों से ही वो लोग डिवाइड करते थे, ठीक है। यानी कि जो व्यवस्था है वो प्राचीन समय की आज भी चली आ रही है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर आया है लेकिन वही सब देखने को आपको मिलता होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना इसमें कि नदियों का प्रयोग, आप समझ जाएंगे नदियों का प्रयोग किसके लिए, यानी संचार और यातायात के लिए नदियों का प्रयोग होता था, ठीक है, नदियों का प्रयोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अशोक जो था, यानी सम्राट अशोक के आप देखते होंगे, सम्राट अशोक के जो बड़े बड़े प्रस्तर स्तंभ हैं, तो ये जो स्तंभ जो थे अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ, ये नावों के माध्यम से देश के दूर दूर तक स्थानों पर पहुंचाए गए थे, ठीक है। तो आप नोट कर लेना सेकंड पॉइंट नोट कर लेना आप कि अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों से ही देश के दूर दूर स्थानों तक पहुंचाए गए, यानी कि अशोक के प्रस्तर स्तंभ कोई सड़कों के माध्यम से नहीं पहुंचाए गए थे, वो नावों के माध्यम से दूर दूर तक पहुंचाए गए, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट नोट कर लेना। देखिए यहां पर ऐसा नहीं था कि नदियां थी, नदियों में बाढ़ भी आती थी, काफी बार जो होता था बाढ़ से काफी नुकसान भी होता था, शहर तबाह हो जाते थे, गांव तबाह हो जाते थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो प्राचीन जो राजधानियां थी, प्राचीन राजधानियां थी या बड़े बड़े नगर थे वो नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र। अच्छा कमेंट में एक सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये बताएंगे हस्तिनापुर कौन सी नदी किनारे है, प्रयाग कौन सी नदी किनारे है, वाराणसी कौन सी किनारे है, पाटलिपुत्र कौन सी किनारे है,
ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर आपको देना है। अब देखिए आपको जो प्रश्न मैं पूछूंगा उनके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, हस्तिनापुर, प्रयाग, वाराणसी और पाटलिपुत्र, जैसे नगर और राजधानियां नदी तट पर बसी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना ये वाला। देखिए ये चीज जो है यानी कि जो बसावट है ये हमें आज भी देखने को मिलती है, यानी औद्योगिक युग के आरंभ से पहले अधिकतर नदी के तट पर, यानी कि औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर जो थे वो अधिकतर नदी के तट पर ही स्थापित होते थे। यानी औद्योगिक युग जब आया, औद्योगिक युग के टाइम पर ही आपने देखा होगा सड़कों का विकास, हाईवे वगैरह का विकास, रेलवे का विकास, हवाई विकास, ये सब किया गया औद्योगिकरण के दौर में किया गया। उससे पहले जो नगर थे वो सब आरंभिक नगर जो थे वो नदियों के किनारे ही बसाए जाते थे, ताकि जो आवागमन है, यातायात है, संचार व्यवस्था है वो नदियों के जरिए ही संपन्न हो सके, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना, चौथा पॉइंट, औद्योगिक युग के आरंभ से पहले नगर अधिकतर नदी के तट पर स्थापित होते थे, ठीक है। चौथा पॉइंट आप नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए सीमाओं के बारे में हम जानेंगे, यानी कि कैसे कैसे सीमाओं का निर्धारण हुआ था उस समय, ठीक है। उस समय जो सीमाएं थी ये किस तरह से वहां पर बनी थी, तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए भारतीय प्रायद्वीप का जो पूर्वी भाग है, यानी कि जो आज का उड़ीसा है, देखिए हम यहाँ पर जो नाम यूज करेंगे वो आज के संदर्भ वाले यूज करेंगे, क्योंकि प्राचीन नाम और आज के नामों के लिए हमें आज के नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको याद रहे कि आज ये स्थिति यहाँ पर ये राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्राचीन नाम तो बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे, नए नाम यहाँ पर किताब में भी यूज किए गए नए नाम, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट आपका यही है कि भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में यानी कि आज का उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश जो कि कलिंग देश कहलाता था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी सीमा गोदावरी। पांचवा पॉइंट यही है, भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में आज का उड़ीसा का समुद्रवर्ती प्रदेश जो कलिंग देश था, उसकी उत्तरी सीमा महानदी और दक्षिणी सीमा गोदावरी थी, ठीक है। इसी प्रकार जो आपका आज का आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा है, लिख लेना आप छठवां पॉइंट, कि आंध्र प्रदेश के उत्तर में गोदावरी और दक्षिण में कृष्णा नदी है। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का महत्व जो था उस समय प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश नाम नहीं था, ये महत्व जो है इसका सात भानों के टाइम पे बनाया, सात भान शासक जो रहे थे उन्होंने आंध्र प्रदेश के जो तट हैं, इन समुद्र तट हैं, उनके किनारे बंदरगाहों की स्थापना की थी, ठीक है। तो छठवें का सब पॉइंट में आप लिख लेना, सात भानों के शासन में बंदरगाह स्थापित हुए, यस, सात भानों के शासन में यहाँ बंदरगाह स्थापित हुए, लिख लेना इस तरह से, लिख लेना आप छठवें का सब पॉइंट, सात भानों के शासन में यहाँ बंदरगाह स्थापित हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सातवां है आपकी, सातवां पॉइंट है ये वो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु जो है उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी से घिरा हुआ है। सातवां लिख लेना, तमिलनाडु उत्तर में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी नदी, ठीक है, दक्षिण में कावेरी नदी। अब देखिए सातवें का सब पॉइंट आप नोट करेंगे। देखिए कावेरी जो है यानी कावेरी घाटी के दक्षिण में बैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी, यानी कावेरी घाटी जो है, यानी कावेरी नदी की जो घाटी जो है वो दक्षिण में बैगई नदी के, यानी कावेरी घाटी जो है दक्षिण में बैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। सातवें का सब पॉइंट आप ये नोट कर लेना कि कावेरी घाटी दक्षिण में बैगई नदी और उत्तर में पेन्नार नदी तक फैली हुई है। देखिए यहां पर उस समय महत्व क्या था तमिलनाडु का, उस समय यहाँ पे ईसवी सन के आरंभ के थोड़े पहले यहाँ पर चोल शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आप लिख लेना सातवें का सेकंड सब पॉइंट है कि ईसवी सन के आरंभ में चोल शासन स्थापित, ठीक है, स्थापित हुआ था, या आप समझ जाएंगे। अब देखिए उस समय कुछ प्राचीन बंदरगाह भी थे जो आज भी, मतलब प्राचीन उस समय बंदरगाह भी थे, जैसे आरिकमेडु, महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर ही अवस्थित थे। कोरोमंडल यानी कि चोल शासकों की वजह से चोलामंडल, कोरोमंडल नाम पड़ा बाद में इसका, ठीक है। तो आरिकमेडु, महाबलीपुरम और कावेरी पट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर ही अवस्थित थे, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लेना है सब पॉइंट करके, तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदरगाह आज के नहीं है, उसी टाइम के बंदरगाह हैं, ठीक है, चोल काल के ही बंदरगाह हैं ये, आरिकमेडु, महाबलीपुरम, कावेरी पट्टनम के बंदरगाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो है, अब आपके प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में आ जाते हैं, यानी प्रायद्वीप का जो पश्चिमी भाग है ये स्टार्ट हो जाता है, प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में आ जाते हैं,
यानी कि पश्चिमी भाग में, प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र वाला प्रदेश हम देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र जो है प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग, यानी कि यहाँ पर महाराष्ट्र का प्रदेश जो है ये उत्तर में ताप्ती यानी दमन गंगा और दक्षिण में भीमा के बीच स्थित है। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट है यानी कि आठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, यानी कि प्रायद्वीप का के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र का प्रदेश आप लिखेंगे, प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में महाराष्ट्र का प्रदेश डैश लगा के, उत्तर में ताप्ती यानी कि ब्रैकेट में दमन गंगा और दक्षिण में भीमा, समझ जाएंगे आप इतने में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमा, अब देखिए नमा जो पॉइंट है ये है कर्नाटक, यानी कि ये तो आपने अभी तो आपने प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में आपने वो महाराष्ट्र के बारे में देख लिया, अब कर्नाटक के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कर्नाटक जो है, कर्नाटक डैश लगा के लिख लेना, कर्नाटक उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश है। ठीक है, कर्नाटक के आगे डैश लगा के लिख लेना, उत्तर में भीमा और ऊपरी कृष्णा तथा तुंगभद्रा के बीच का प्रदेश। ठीक है, ये कर्नाटक वाला हिस्सा है। दसवां पॉइंट आप नोट कर लेना, दसवां पॉइंट आपको नोट करना है। देखिए प्रायद्वीप का जो दक्षिण में हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम के तटीय प्रदेश का जो हिस्सा है आजकल, वो केरल राज्य है। ये आप जानते ही होंगे, चाहे लिखना चाहे तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिख लीजिए, वैसे लिख लीजिए। दसवां पॉइंट कि प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, दसवां पॉइंट आपका यही है कि प्रायद्वीप का समुद्र तटवर्ती पश्चिमी भाग मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ग्यारहवां पॉइंट है आपका, इलेवेंथ पॉइंट है। देखिए उत्तर में सिंध और गंगा, यानी कि उत्तर में सिंध और गंगा की नदियां प्रणालियां और दक्षिण में बिंद पर्वत के बीच का विस्तृत क्षेत्र अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बंटा है। यानी उत्तर में, ग्यारहवां पॉइंट है, उत्तर में सिंध और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में बिंद पर्वत श्रृंखला का जो इन दोनों के बीच का विस्तृत प्रदेश है, ये अरावली पर्वतों की श्रेणियां हैं, ये इनके द्वारा दो भागों में बटा हुआ है। अरावली जो राजस्थान में पड़ती है, ठीक है, राजस्थान से दिल्ली तक गई है अरावली श्रेणी, आपने पढ़ी होगी भूगोल में। ठीक है, तो ग्यारहवां पॉइंट आप नोट कर लीजिए, उत्तर में सिंध और गंगा की नदी प्रणालियां और दक्षिण में बिंद पर्वत के बीच का विस्तृत क्षेत्र अरावली पर्वतों द्वारा दो भागों में बटा है। ठीक है, अरावली पर्वत इन्हें डिवाइड करता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब यहां पे हमने अरावली का जिक्र आ गया तो राजस्थान का भी जिक्र आएगा। देखिए राजस्थान जो है यहां पर अब अगली हेडिंग आप डाल लीजिए, अगली हेडिंग, वैसे तो हेडिंग बाद में पड़ती है लेकिन मैं डलवा दे रहा हूं यहां पर, यह है प्राचीन भारत में खनिज संसाधन हेडिंग आप डाल लीजिए। वैसे इसमें किताब में कोई हेडिंग नहीं है, ये किताब में हेडिंग नहीं है, तो आप डाल लीजिए प्राचीन भारत में खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधन ये आपकी अगली हेडिंग है। हेडिंग इसलिए डरवा रहा हूं क्योंकि ताकि आगे आपको पढ़ने में आसानी हो, तो अगली हेडिंग है प्राचीन भारत में खनिज संसाधन। ठीक है, हेडिंग आपने डाल ली होगी। देखिए इसमें पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो प्राचीन काल में ही उपजाऊ रहा है। यानी उदयपुर साइड का आपने हिस्सा पढ़ा होगा, माउंट आबू वगैरह वाला हिस्सा है, वो प्राचीन काल से उपजाऊ रहा है, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ी वाला इलाका है वहां पर वर्षा अच्छी खासी हो जाती है, वहां पर जो मानसून आता है वहां पर पहाड़ियों से टकरा के वर्षा करता है, इस वजह से वहां पर उपजाऊपन रहता है। ठीक है, जबकि जो अरावली श्रेणी पड़ती है, अरावली के समानांतर ही जो बादल होते हैं, यानी कि जो मानसून अरावली के समानांतर निकल जाता है, इसे टकराता नहीं है, इस वजह से यहां पर वर्षा नहीं होती है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा, भौगोलिक लक्षण पढ़े होंगे, वहां पर सब कुछ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, राजस्थान में वर्षा ना होने का कारण क्या है, नहीं पढ़ा है तो जब मैं भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां पर पढ़ लेना आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग प्राचीन काल से उपजाऊ रहा है। ठीक है, अब पहले का सब पॉइंट है यहां पर, देखिए राजस्थान में खेतरी की तांबे की खाने भी यहां है। पहले का सब पॉइंट आप नोट कर लेना, खेतरी की तांबे की खाने यहां होने से वहां ताम्र प्राशाण युक्त
से बस्तियां बनती रही हैं। खेतरी की तांबे की खाने, खेतरी जगह का नाम है और खेतरी में तांबे की खाने हैं, तो वहां पर खेतरी की तांबे की खाने होने की वजह से यहाँ ताम्र पाषाण युग से ही बस्तियां बनती रही हैं। ताम्र पाषाण युग जो रहा है उसी टाइम से यहाँ पे राजस्थान में बस्तियां बनती रही हैं। पहले का सब पॉइंट नोट कर लेना कि खेतरी की तांबे की खाने यहाँ होने से वहां ताम्र पाषाण युग से बस्तियां बनती रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट है, देखिए राजस्थान की जो सीमा है वो आपको पता होगा, राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों से में जाके लगती है। इन दक्षिण जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान वाली सीमा जो है वो गुजरात के उपजाऊ मैदानों में जाके लगती है। तो सेकंड पॉइंट लिख लेना, राजस्थान की सीमा गुजरात के उपजाऊ मैदानों से मिलती है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां इस प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रदेश है, जो गुजरात वाला प्रदेश है, गुजरात के उपजाऊ मैदान वाला प्रदेश है, तो यहां से नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां जो है इस प्रदेश को पार करती हुई जो है समुद्र में गिरती हैं। सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट में, ठीक है, सेकंड पॉइंट आप यहां देखिए, सेकंड पॉइंट आप यहां से नोट मत करिए, यहां से कर लीजिए नोट। ठीक है, लिख लेना, गुजरात में नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियां गुजरात प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती और माही और साबरमती नदियां गुजरात प्रदेश को पार करती हुई समुद्र में गिरती हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में सब पॉइंट आप लिख लेना, देखिए यहां पर गुजरात प्रदेश में जो कम वर्षा वाला एक क्षेत्र है, यानी इसके पश्चिमोत्तर छोर पर एक कम वर्षा वाला क्षेत्र है जिसका नाम है काठियावाड़। ठीक है, तो सेकंड का सब पॉइंट आप नोट कर लेना, सेकंड का पहला सब पॉइंट ही है कि इसके पश्चिमोत्तर छोर पर कम वर्षा वाला काठियावाड़ क्षेत्र स्थित है। ठीक है, इसके पश्चिमोत्तर छोर पर कम वर्षा वाला काठियावाड़ क्षेत्र स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में, गंगा यमुना का मैदान है उसके दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है। यानी गंगा यमुना दोआब के दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एमपी से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार कि मध्य प्रदेश किन कहां से घिरा है। पश्चिम में चंबल नदी, पूर्व में सोन नदी, ठीक है, दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। ठीक है, सोन नदी एकमात्र गंगा की ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है गंगा में। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं जनरल अवेयरनेस के लिए, अभी मत लिखिए, मैं सब कुछ भूगोल में बताऊंगा आपको। सोन नदी एकमात्र नदी है गंगा की जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है गंगा में। ठीक है, आप में से काफी लोग जानते भी होंगे ये बात तथ्य। तो आप थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे, गंगा यमुना दो आपके दक्षिण में मध्य प्रदेश राज्य है जो पश्चिम में चंबल नदी, ठीक है, पूर्व में सोन नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी से घिरा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड का सब पॉइंट आप लिखेंगे, यह जो है दो भागों में विभक्त है। यह जो हिस्सा है, यानी कि ये वो हिस्सा है, ये मध्य प्रदेश का, यह दो भागों में डिवाइड है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य का जो हिस्सा है यह दो भागों में विभक्त है। ये आप लिख लेना, यह दो भागों में विभक्त है। अब कौन कौन से भाग हैं इसके, वो हम लिखवाते हैं आपको। यह दो भागों में विभक्त है, ठीक है, ये आप डाल लेना। देखिए इसका जो पहला भाग है, यानी पहला जो भाग है पूर्वी भाग, जहां पर यानी सोन नदी वाला हिस्सा जो है, पूर्वी भाग जो है, लिखवा दे रहा हूं मैं आपको यहीं पर, पूर्वी भाग जो है वो पूर्वी भाग यानी विंध्य पर्वत वाला हिस्सा जो है, पूर्वी भाग यानी विंध्य पर्वत वाला हिस्सा है पूर्वी भाग में, सोन नदी के नीचे विंध्य पर्वत वाला हिस्सा जो है, ठीक है, विंध्य पर्वत वाला, ये कभी यहां पर गुप्त शासन रहा है। ठीक है, यानी कि जो पूर्वी हिस्सा जो है इस पर गुप्त वंश का शासन रहा है, गुप्त वंश का शासन रहा है, लिख लेना आप, गुप्त वंश का शासन रहा है। ठीक है, ये लिख लेना, गुप्त वंश का शासन रहा है। ठीक है, नहीं पूर्वी भाग जो है, यानी इसका उत्तरी भाग में उपजाऊ मैदान है और यहाँ मोटे तौर पर पूर्वी और पश्चिमी दो भागों में डिवाइड है। ठीक है, पूर्वी भाग क्योंकि ज्यादातर विंध्य पर्वत से घिरा है, उस पर गुप्त वंश के समय में, यानी कि ऐतिहासिक महत्व वाला, यानी कि यहाँ पर गुप्त वंश का शासन रहा है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट नोट कर लेना, पूर्वी भाग यानी कि मोस्टली जो है विंध्य पर्वत से घिरा हुआ ही भाग है जो इस पर गुप्त वंश का शासन रहा है। ठीक है, पहला भाग आपने लिख लिया। अब दूसरा भाग जो है मध्य प्रदेश का,
पश्चिमी मध्य प्रदेश में दूसरा भाग है वो आप लिखेंगे। सेकंड सेकंड पॉइंट सब पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है आपका, तीसरे पॉइंट का देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग में, भाग जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो भाग है ये मालवा भूभाग, यानी कहाँ कट गया सॉरी देखिए हाँ ये है, यहां से कट गया था ये, कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का वह भूभाग है ठीक है, जिसे ईसा की यानी कि यह जो है मालवा का भूभाग शामिल है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का भूभाग शामिल है, जो ईसा पूर्व छठी सदी के ऐतिहासिक क्रियाकलापों का क्षेत्र भी रहा है ये ठीक है। और ये जो मालवा क्षेत्र है, आपने कोलकाता सुना है, कोलकाता जैसे नदी के अंदर नदी बंदरगाह के तौर पर स्थापित शहर है, ठीक उसी प्रकार से मालवा जो है ये भीतरी प्रदेश है जो कि बंदरगाह से के रास्ते पड़ता है, यानी कि मान लो यहाँ पे बंदरगाह बना हुआ है तो यहाँ पे ये प्रदेश है मालवा वाला क्षेत्र। तो ये सामरिक दृष्टि से ये मालवा जो है व्यापारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, यानी कि कोई भी माल जब उतारा जाता था तो यहीं इस मालवा वाले क्षेत्र से होकर गुजरता था, आगे मालवा वाले क्षेत्र से होकर आगे प्रोसीड होता था, इसलिए सामरिक दृष्टि की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पर तमाम शक्तियों ने जो है इसे हथियाने का प्रयास किया, जैसे कि दक्कन के मराठों ने इस पर आक्रमण किया इसे हथियाने के लिए, और इसके अलावा जो उत्तर के जो और भी लोग थे यानी दक्कन के मराठे थे, इसमें जो है दक्कन के मराठे थे, उसके अलावा राजपूत थे, राजपूतों ने भी इसे हत्याने की कोशिश की। उसके अलावा देखिए पहली और दूसरी सदी में, पहली और दूसरी सदी में सकों और सातवाहनों ने भी लड़ाइयां लड़ी इस प्रदेश को हत्याने के लिए, और 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने भी लड़ाइयां लड़ी। तो आप सेकेंड वाला पॉइंट अब आप लिखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में आप लिखेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक दे रहा हूं मैं यहां पे, पश्चिमी मध्य प्रदेश एमपी में मालवा का भूभाग शामिल है, मालवा का भूभाग शामिल है ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका जो है तीसरे पॉइंट का सेकंड सब पॉइंट है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का भूभाग शामिल है ठीक है। अब इसी में आगे लिख लेना, गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा, गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण भीतरी प्रदेश था ठीक है, इसी में लिख लेना आप। सेकंड पॉइंट आपका यही है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का भूभाग है, मालवा का भूभाग शामिल है ठीक है विराम, गुजरात के बंदरगाहों के लिए मालवा महत्वपूर्ण भीतरी प्रदेश था ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट करके लिखेंगे, यानी कि सेकंड सब पॉइंट में, सेकंड सब पॉइंट में अगला सब पॉइंट है, सेकंड सब पॉइंट में ही सब पॉइंट है ठीक है। देखिए इस पर अधिकार के लिए आप लिखेंगे, इस पर अधिकार के लिए या इस क्षेत्र पर अधिकार, यानी इस क्षेत्र पर अधिकार के लिए ईसा की पहली सदी और दूसरी सदियों में शकों और सातवाहनों ने कौमा 18वीं सदी में मराठों और राजपूतों ने लड़ाइयां लड़ी, मराठों और राजपूतों ने लड़ाइयां लड़ी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगला पॉइंट है आपका, चौथा पॉइंट है आपका देखिए जो बिंद पर्वतमाला मैंने बताई थी, बिंद पर्वतमाला जो आपकी है ये पूरे संपूर्ण देश को दो भागों में, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, और ये पूरे देश को यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये पूछा भी जाता है कि उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली कौन सी श्रृंखला है, यानी वो बिंद पर्वत श्रृंखला है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है वो बिंद पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, या प्रश्न पूछा भी जाता है, सब ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आपको फायदा मिल रहा होगा, यहाँ पर आप बता रहे मतलब एकदम समझ में आ जा रहा होगा। तो चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे, अब आप बिंद पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक, देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है, बिंद पर्वत श्रृंखला देश को पूर्व से पश्चिम तक बीचों बीच विभक्त करती है ठीक है। अब चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे आप, चौथे का पहला सब पॉइंट यह है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा है, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की विभाजक रेखा है। देखिए अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट है, देखिए इसके उत्तर में, इसके जो उत्तर में यानी कि जो बिंद पर्वत है, बिंद पर्वत के उत्तर में, इसके उत्तर में कौन से लोग रहते हैं, इसके उत्तर में भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, भारतीय आर्य भाषा ठीक है लिख लेना आप, भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग ठीक है, और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग ठीक है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, इसके उत्तर में भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग, दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और देखिए इन दोनों के बीच, यानी कि ये तो मान लो ये आपका विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है। अब विंध्य पर्वत के ऊपर में यानी नॉर्थ साइड में तो आर्य भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, आर्यवासी लोग रह रहे हैं, आर्यवासी रह रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ द्रविड़ वाले रह रहे हैं, द्रविड़वासी रह रहे हैं, नीचे की तरफ दक्षिण भारत में द्रविड़ वाले रह रहे हैं। अब इसके बीच का पोर्शन भी तो कुछ है, इसके बीच के पोर्शन में तो कोई रह रहा होगा। इसके बीच वाले पोर्शन में आदिवासी समुदाय रह रहे हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। इसके बीच वाले पोर्शन में आदिवासी समुदाय हैं जो कि आज भी मौजूद हैं। तो इसका चौथे का सेकंड पॉइंट तो सब पॉइंट नोट कर लिया था, थर्ड सब पॉइंट आप नोट कर लेना, सब पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड सब पॉइंट, ठीक है, ये नोट कर लेना कि दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, दोनों के बीच विंध्य क्षेत्र में आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है। देखिए वैसे मैंने हेडिंग डलवा दी थी प्राचीन भारत में खनिज संसाधन, लेकिन बीच में ये जो पोर्शन था बीच में आ गया था, मुझे पहले लिखवाना था, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अब खनिज संसाधन हमारे स्टार्ट वैसे यहाँ से होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब खनिज संसाधन पहले लिख लेते हैं, वैसे इसमें ये पॉइंट जो दो तीन पॉइंट थे उधर लिखवाने थे, लेकिन यहाँ पे लिख गए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप एरो लगा के कर लेना उधर सेट करना चाहें तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपकी स्टार्ट होती है, भारत में जो तांबे की जो समृद्ध खाने हैं, ये झारखंड का एक जिला है, सिंहभूमि जिला है, तो यहाँ पर पाई जाती थी। और यहाँ पर ये तांबे की जो खाने थी, 130 किलोमीटर की लंबी पट्टी है यहाँ पर, और प्राचीन काल में यहाँ पे तांबा निकाला जाता था, तांबे के औजारों का इस्तेमाल भी होता था। तो झारखंड के सबसे पुराने निवासियों ने सिंहभूमि और हजारीबाग की इन खानों का उपयोग भी किया था, ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे, पांचवा पॉइंट आपको नोट करना है कि तांबे की खाने, तांबे की खाने झारखंड के पठार में, ऐसे करके लिख लेना आप पांचवा पॉइंट, तांबे की खाने, तांबे की खाने, ठीक है, डैश करके, तांबे की खाने डैश करके आगे, झारखंड के पठार में, झारखंड के पठार में, ठीक है, शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं आपको मैं, झारखंड के पठार में, ठीक है, पठार में। अब ब्रैकेट में लिख लेना आप, ब्रैकेट में लिख लेना, विशेषकर सिंहभूमि जिले में, इसके आगे विशेषकर सिंहभूमि जिले में, पांचवा पॉइंट आपका यही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नोट बंद डाल के एक बात लिख लीजिए, नोट बंद डाल के इसके नीचे लिखना जरूरी है, नोट बंद डाल के, तो नोट बंद डाल के एक बात लिख लीजिए। देखिए आज से 1000 वर्ष पूर्व जो खेतरी, यानी कि खेतरी की खाने कहां पे, तांबे की, राजस्थान में है, यानी खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग वैदिक और प्राक वैदिक दोनों लोगों ने किया था, ठीक है। यानी कि जो आज से लगभग 1000 साल पहले जो तांबे की खाने थी, तांबे की जो राजस्थान में खाने थी, खेतरी की खाने, ठीक है, तो इन खानों का उपयोग वैदिक, यानी कि इन खानों का उपयोग वैदिक और प्राक वैदिक दोनों लोगों ने किया था, जिनमें पाकिस्तान राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना के दोआब में रहने वाले ये दोनों ही लोग थे, प्राक और वैदिक, ठीक है, प्राक वैदिक और वैदिक दोनों ही लोग थे। तो आप नोट में लिख लेना, मैं लिखवा रहा हूं, आज से 1000 वर्ष पूर्व, आज से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, खेतरी की तांबे, आज से 1000 ईसा पूर्व खेतरी की तांबे की खानों का उपयोग वैदिक और प्राक वैदिक दोनों ने किया, ठीक है, दोनों ने किया। अब देखिए प्राक वैदिक और वैदिक में कौन कौन लोग शामिल थे, पाकिस्तान राजस्थान गुजरात और गंगा यमुना दोआब में रहने वाले ये व्यक्ति प्राक वैदिक और वैदिक काल के व्यक्ति बोले जाते थे, ठीक है, ये प्राक वैदिक और वैदिक सभ्यता के व्यक्ति यहीं पे मिले हैं, मैंने यहीं पर रहते थे, पाकिस्तान राजस्थान गुजरात और गंगा और यमुना के दोआब में, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लेना कि इनमें पाकिस्तान राजस्थान गुजरात और गंगा के दोआब के मैदानों में लोग शामिल थे, दोआब के मैदानों में लोग शामिल थे, ठीक है। अब चलिए नोट नंबर टू आप लिखेंगे, नोट नंबर टू है आपका, देखिए आपको पता होगा कि जो तांबा है, तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी, तो ये जो उत्तर भारत था आपका, यानी कि आपको पश्चिमोत्तर भारत था, यहाँ पे वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था, वैदिक संस्कृति का मतलब ये था कि यहाँ पे एक तरह से हिंदू धर्म का उदय हुआ था, तो पहली धातु आपकी तांबा थी, तो इन लोगों ने तांबा को एक बड़ा ही पवित्र धातु माना, और इन्होंने इसे अपने अनुष्ठानों में भी उपयोग में लेके आए। आपने देखा होगा आज भी
तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ मानते हैं। नहीं, सावन का महीना भी चल रहा है अभी, प्रेजेंट में सावन का महीना ही चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा तमाम लोगों के घरों में, यानी मेरे घर में भी है, तांबे के लोटे वगैरह हैं, तो तांबे के लोटे में जल चढ़ाने जाते हैं, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत शुभ मानते हैं। शुभ इसलिए मानते हैं, तांबे में ऐसे गुण होते हैं जिससे आपका जो डाइजेशन वगैरह है, जो बीमारियां हैं, वो विकार दूर करने के गुण होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उस समय धर्म से जोड़ दिया। धर्म से जोड़ने का रीजन ये था, पहली धातु थी, और इसके अलावा जो विशेषज्ञ थे उन्होंने इसे धर्म से जोड़ दिया, ठीक है। तो आप नोट टू में आप यही लिखेंगे, तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी। नोट टू में लिखेंगे, इसलिए हिंदू इस धातु को पवित्र मानने लगे और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा, और ताम्र पात्रों का धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवहार होने लगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने 5 पॉइंट तो लिख लिए हैं उसमें, प्राचीन भारत में खनिज संसाधन में, ठीक है। अब 6वां पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, ठीक है। देखिए, आज हमारे देश में एक धातु है टिन, टिन धातु का उत्पादन अब हमारे देश में नहीं होता है। टिन धातु हमारे यहां से पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, यानी इसके भंडार पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब हमारे यहां टिन का उत्पादन नहीं होता है भारत से, ये आप जान लीजिए। लेकिन प्राचीन काल में टिन का उत्पादन होता था, प्राचीन काल में यह धातु थी, कम मात्रा में उपलब्ध थी धातु, ये टिन धातु, ठीक है। और प्राचीन काल में इसके साक्ष्य जो मिले हैं हमें, ये राजस्थान और बिहार में मिले हैं, राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी। तो 6वां पॉइंट आप लिख लेना आप, कि प्राचीन काल में टिन धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी। 6वां पॉइंट आपका यही है कि प्राचीन काल में टिन धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं। ये लिख लेना 6वां पॉइंट, प्राचीन काल में टिन धातु राजस्थान और बिहार में पाई जाती थी, परंतु अब इसके भंडार समाप्त हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आपने कांसा या कांस्य प्रतिमाओं के बारे में सुना होगा, कांसा। तो कांसा जो है वो टिन और तांबे को मिक्सर को मिलाने पर बनता है, टिन और तांबे को मिलाने पर कांसा बनता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। टिन और तांबे को मिलाने पर कांसा बनता है। अब हमारे यहाँ तो ये टिन धातु मिली नहीं है, टिन धातु रही नहीं, बहुत ही कम रही है, यानी प्राचीन समय में रही है बहुत कम मात्रा में। उसके बाद आपने देखा होगा जो 11वीं-12वीं सदी में आकर जो दक्षिण भारत में बहुत सारी जो है, यानी कि गुप्तकालीन जो है, चोलकालीन जो है, मूर्ति कांस की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उसके लिए टिन कहाँ से आया? आपके माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने तो वो पढ़ाया वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में कि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कांस की प्रतिमा दक्षिण भारत में बनाई गई, लेकिन हमारे यहाँ टिन भी नहीं था। जब टिन नहीं था तो टिन को तांबे मिलाने से कांसा बनता है, तो उससे बाद टिन फिर कहाँ से आया? तो अब मैं वो भी बताऊँगा उसके बारे में। अब देखिए 7वां पॉइंट आप लिखेंगे अब आप, ठीक है। 7वां पॉइंट आप लिखेंगे पहले आप, 7वां पॉइंट सॉरी यहीं से लिख लीजिए, 7वां पॉइंट यहां से लिखेंगे, तांबे और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है, तांबे और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है, ठीक है। तांबे और टिन को मिलाने पर कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती हैं, क्योंकि नहीं मिलने का रीजन यही है, प्रागैतिहासिक काल की जो कांस्य वस्तुएं हैं, बहुत पुरानी प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं, क्योंकि टिन हमारे यहाँ का टिन का उत्पादन बहुत ज्यादा होता नहीं था, और टिन के भंडार भी नहीं थे ज्यादा, बहुत ही कम मात्रा में भंडार थे, ठीक है। 7वां पॉइंट आपका यही है, टिन और तांबे को मिलाने पर कांसा बनता है, इसलिए हमें प्रागैतिहासिक काल की कांस्य वस्तुएं अधिक नहीं मिलती। आप समझ जाएंगे क्यों नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतना उत्पादन नहीं होता था, इसलिए नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब देखिए 7वें पॉइंट में ही आप सब पॉइंट लिखेंगे, सॉरी 7वें पॉइंट में ही सब पॉइंट करके लिखेंगे। देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे वो वहां से कुछ जो है आपके कांसे के मिले हैं, यानी वहां से जो है कुछ टिन प्राप्त हुआ है, वो मतलब वहां से कुछ कांसे के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः राजस्थान से कुछ टिन राजस्थान से प्राप्त करते थे, और कुछ टिन वो अफगानिस्तान से आयात करते थे, ठीक है। यानी कि हड़प्पा से कांसे के औजारों के साक्ष्य मिले, कांसे के औजार कुछ मिले हैं, बहुत कम मात्रा में मिले हैं। तो हड़प्पा के जो लोग थे वो राजस्थान से कुछ टिन प्राप्त करते थे, और बाद बाकी टिन का आयात मुख्यतः अफगानिस्तान से करते थे उस समय, ठीक है। तो 7वें का सब पॉइंट आप लिख लीजिए, हड़प्पा संस्कृति के लोग संभवतः कुछ टिन राजस्थान से प्राप्त करते थे और कुछ अफगानिस्तान से आयात करते थे। देखिए हड़प्पा के जो औजार हैं, यानी हड़प्पा के जो कांसे के औजार हैं, ये पश्चिमी एशिया, मिस्र और क्रीट में जो औजार मिले हैं कांसे के, उनकी तुलना में ये औजार बहुत ज़्यादा कम हैं, यानी बहुत इतने ज़्यादा औजार नहीं मिले हैं कि बहुत ज़्यादा औजार हों, क्योंकि हमारे यहाँ टिन का उत्पादन भी नहीं होता था, और ऐसे संसाधन भी उस समय विकसित नहीं थे कि टिन को हम निष्कर्षित कर सकें, निकाल सकें, खजानों में ऐसे संसाधन भी नहीं थे, ठीक है।
तो आप साथ में का अगला सब पॉइंट नोट कर लेना, हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग पश्चिमी एशिया मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम करते थे। हड़प्पाई लोग कांसे के औजारों का प्रयोग पश्चिमी एशिया मिस्र और क्रीट की अपेक्षा कम करते थे। ठीक है, अब देखिए हमारे यहां जो कांस्य युग की प्रतिमाएं बनी है वो कहां से बनी है, यानी कि हड़प्पा में तो था ही नहीं, टिन बहुत ना के बराबर था, उसके बाद भी टिन नहीं था, तो हमारे यहां जो कांस्य युग आया यहां पर हमारे यहां चोलकालीन जो प्रतिमाएं बनी, नर्तकी प्रतिमा बनी, नाचती हुई नर्तकी की प्रतिमा बनी, तमाम प्रतिमाएं बनी, चोलकालीन प्रतिमाएं बनी, तो वो कहां से बनी, ये अब आपके माइंड में उठा होगा। तो आठवां पॉइंट आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, आठवां पॉइंट देखिए, ईसवी सन के आरंभ में हमारे यहां, यानी ईसवी सन के आरंभ में हमारा जो व्यापार था, ये व्यापार हमारा जो है बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ संपन्न हुआ। तो वहां पर मलय प्रायद्वीप पर और बर्मा में टिन के बहुत ज्यादा भंडार थे, विपुल भंडार थे, तो इसी कारण, इसी के फलस्वरूप हमारे यहाँ कांसे का इस्तेमाल फिर होने लगा। यानी इसकी के बाद, यानी कि हमारे यहाँ जैसे ही हमारा जो व्यापार जो था बर्मा और मलय प्रायद्वीप से स्थापित हुआ, उसके ठीक बाद हमारे यहाँ कांसे का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो आप आठवां पॉइंट अब आप नोट करेंगे, ईसवी सन के आरंभिक शतकों में बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ संपर्क हुआ ईसवी सन के आरंभिक शतकों में बर्मा और मलय प्रायद्वीपों के साथ संपर्क हुआ। ठीक है, जहां टिन के विपुल भंडार हैं। ठीक है, अब आठवें का सब पॉइंट लिखेंगे आप, आठवें का सब पॉइंट, फलस्वरूप दक्षिण भारत में कांसे की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। आठवें का सब पॉइंट यही है, फलस्वरूप दक्षिण भारत में कांसे की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, अब देखिए नवा पॉइंट है। देखिए बिहार में पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं भी मिली हैं। अभी आपने पढ़ा था कि टिन का स्रोत हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं था, टिन हमारे यहाँ प्राचीन काल में टिन धातु जो राजस्थान और बिहार से थी, तो बिहार में भी हमें टिन धातु थी, तो बिहार में कहाँ कहाँ पे थी वो भी हम जानेंगे। तो बिहार में पाल शासकों का शासन आया तो वहाँ पर कांस्य प्रतिमा का निर्माण हुआ, जिनके लिए टिन जो था हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था। ठीक है, तो नवा पॉइंट आप नोट करेंगे, बिहार में पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था। ठीक है, नवा पॉइंट आपका यही है कि बिहार में पालकालीन कांस्य प्रतिमाओं के लिए टिन संभवतः हजारीबाग और रांची से प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत लौह अयस्क के क्षेत्र में समृद्ध रहा है, लौह अयस्क भारत में पर्याप्त मात्रा में, तो भारत में लौह अयस्क मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। तो दसवां पॉइंट आप नोट कर लेना, भारत में लौह अयस्क मुख्यतः झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाया जाता है। अब देखिए जो मैंने बताया था लौह अयस्क का मतलब क्या हो गया कि लोहे का अयस्क है, जिससे के लोहा बनाया जाएगा। ठीक है, लोहे का निर्माण होगा। अच्छा, लौह अयस्क के नाम बताएं, किन्हीं दो या तीन लौह अयस्कों के नाम बताएंगे कमेंट में। आपका तीसरा प्रश्न आपका यही है, लौह अयस्कों के नाम बताने, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये लौह अयस्क कौन कौन से लौह अयस्क प्रमुख हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट में। तो देखिए उस समय क्या था, लौह अयस्क का भी पता चल गया भाई कि हमारे यहाँ धरती में लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क का पता चलते ही आपको बताया लोहे के औजारों का प्रयोग जो था, इसका इस्तेमाल युद्ध में काम आने लगा, लोहे का प्रयोग अधिक होने लगा, लोहे के प्रयोग से जंगलों को साफ किया जाने लगा, कृषि का इस्तेमाल बढ़ गया। तो ये लोहे का प्रयोग जो था इसी की परिणति यह बनी कि मगध शासन का स्थापना यहीं पर हुई, यानी इसी लोहे की उपलब्धि के कारण ही मगध शासन की स्थापना यहीं पर हुई, यानी इसके दक्षिण में लोहा उपलब्ध था, इसी वजह से मगध एक शक्तिशाली जो है राज्य के रूप में उभर पाया। ठीक है, तो दसवें का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, दसवें का पहला सब पॉइंट है ये कि मगध में ईसा पूर्व छठी चौथी सदी में साम्राज्य इसके दक्षिण में लोहा उपलब्ध होने के कारण स्थापित हो पाया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दसवें का पहला सब पॉइंट कि मगध में ईसा पूर्व छठी से चौथी सदी में साम्राज्य इसके दक्षिण में लोहा उपलब्ध होने के कारण स्थापित हुआ। ठीक है,
अगला सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट है आपका, देखिए बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके जो अवंती राज्य था जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ये ईसा पूर्व छठी से पांचवी सदियों के बीच एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया। यानी कि लोहे का प्रयोग करके ही जो लोहे, क्योंकि लोहे के हथियार बहुत उन्नत किस्म के होते थे, पहले लाठी डंडों के जरिए लोग युद्ध लड़ते थे, फिर अब लोहे के हथियार आने लगे, लोहे के हथियार मजबूत टिकाऊ, ठीक है, और बहुत मजबूत हैं, टिकाऊ हैं। इसके अलावा जब लोहा उनके राज्य में खुद लोहा हो रहा है तो हथियारों की कमी भी नहीं है, ठीक है। तो बड़े आप दसवें का अगला सब पॉइंट आप नोट करेंगे कि बड़े पैमाने पर लोहे का उपयोग करके ही अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है, ईसा पूर्व छठी से पांचवीं सदियों में महत्वपूर्ण राज्य बन गया। अब अगला सब पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट है, सात दसवें पॉइंट है, थर्ड सब पॉइंट है, देखिए सात वाहनों और बिंद के दक्षिण की सत्ताओं ने सात वाहनों और बिंद के दक्षिण की सत्ताओं ने आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया। दसवें का तीसरा सब पॉइंट है कि सात वाहनों और बिंद के दक्षिण की सत्ताओं ने आंध्र और कर्नाटक के लौह अयस्कों का इस्तेमाल किया, ठीक है। ग्यारहवां पॉइंट है आपका, देखिए लेड यानी सीसा जो आपका है, आंध्र प्रदेश में सीसा मिलता है, ठीक है, तो आप ग्यारहवां पॉइंट लिखेंगे आंध्र प्रदेश में सीसा मिलता है, ठीक है। यही कारण है सात वाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए थे। आंध्र प्रदेश में सीसा मिलता है, यही कारण है सात वाहनों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए। यानी कि आपसे पूछा जाए किन शासकों ने बड़ी संख्या में सीसे के सिक्के जारी किए, ठीक है, तो आप बता देंगे सात वाहन शासकों ने, ठीक है। तो ग्यारहवां पॉइंट आपका यही है। इसके अलावा सीसा जो है, यानी ग्यारहवें का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, इसके अलावा सीसा जो है राजस्थान के जोम्बार की खान जो है यहां से भी प्राप्त किया गया हुआ, ठीक है, यहां से प्राप्त होता है। तो आप लिख देंगे अब आप ग्यारहवें का सब पॉइंट, सीसा राजस्थान के जोम्बार से भी प्राप्त किया गया, सीसा राजस्थान के जोम्बार से भी प्राप्त किया गया। अब देखिए अगला पॉइंट है बारहवां पॉइंट, हमारे देश में पंच्ड मार्क्स यानी कि जो आहत सिक्के होते हैं, आहत का मतलब क्या होता है, मान लो कोई गोल गोल हमने सिक्का काट लिया, ठीक है, काट कर उस पर किसी दाव से या जैसे छेनी हथौड़ी से हमने जो है दाव लगाकर छेनी हथौड़ी मारकर उसे आहत करके कुछ वहां पर निशान बनाया, उसे आहत बोला जाएगा, आहत सिक्के यानी पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है, ये बोला जाता है उसे। तो आप अगला पॉइंट यानी बारहवां पॉइंट है, तो आप लिखेंगे हमारे देश के पहले आहत सिक्के या सबसे पहले आहत सिक्के, ठीक है, चांदी के हैं। किसके हैं? चांदी के। यानी हमारे देश के सबसे पहले जो आहत सिक्के हैं वो चांदी के ही हैं, ठीक है। बारहवां पॉइंट है हमारे देश के पहले आहत सिक्के चांदी के हैं। देखिए चांदी हमारे यहाँ कहाँ मिलती है, अब ये देख लेते हैं चांदी हमारे यहाँ कहाँ मिलती है। देखिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ चांदी होती है मुंगेर जो जिला है, ये बिहार का जिला है, बिहार में पड़ता है मुंगेर, ठीक है, बिहार में पड़ता है मुंगेर। तो मुंगेर जिले में पहाड़ियाँ हैं, खड़गपुर पहाड़ियाँ, तो ये चांदी की खानें यहाँ पे मौजूद थी प्राचीन काल में, ठीक है। तो आप बारे में का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, प्राचीन काल में मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में, मुंगेर ब्रैकेट में लिख लेना बिहार, आप समझ जाएंगे बिहार का जिला है मुंगेर, ठीक है। बारहवें का सब पॉइंट आप लिखेंगे, प्राचीन काल में मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी, ठीक है। अगला सब पॉइंट आप नोट करेंगे बारे में कि बिहार में मिले सबसे पुराने आहत सिक्के चांदी के हैं। यानी बिहार में अब तक जितने सबसे पुराने सिक्के जो मिले हैं वो सब चांदी के ही मिले हैं आहत सिक्के, ठीक है। अब अगला पॉइंट है 13 पॉइंट है आपका, 13वां पॉइंट है, देखिए जो स्वर्ण कर्ण होते हैं, सोने के कर्ण जो होते हैं, वो नदी धाराओं में बहके आ जाती हैं, और जब उनका जमाव हो जाता है तो उन धाराओं में से उन्हें चुन लिया जाता है। तो इन जो स्वर्ण कणों का जमाव वाला क्षेत्र होता है इसे प्लेसर्स कहते हैं, ठीक है। तो 13वां पॉइंट आप नोट करेंगे, प्रचुर स्वर्ण कण जो नदी धाराओं के जमाव से चुने जाते हैं उन्हें प्लेसर्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं 13 पॉइंट, प्रचुर स्वर्ण कण जो नदी धाराओं के जमाव से चुने जाते हैं उन्हें प्लेसर्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राचीन काल में हमारे सोना भी मिलता था,
चौथा नंबर पॉइंट कोलार भट्टी की खाने जो कर्नाटक की है, ठीक है। सोने के ऊपर एक मूवी भी आई है अभी हाल ही में, फिक्शनल मूवी है, वैसे तो फिक्शनल मूवी है, देखना अगर टाइम मिले तो। KGF, इसकी फुल फॉर्म जो है कोलार गोल्ड फील्ड, काफ़ी फेमस मूवी है अभी तो, और काफ़ी अच्छी मूवी, काफ़ी मोटिवेशनल भी मूवी ये है। कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से एक मूवी आई है, KGF चैप्टर 1, और चैप्टर 2 आने वाला है शायद उसका, ठीक है। चैप्टर 1 अभी आया है, KGF के नाम से फेमस है मूवी ये, ठीक है। तो ये इसी पर बेस्ड लिया है, यानी फिक्शनल मूवी है, पूरी तरह से फिक्शनल मूवी बनाई है, यानी कि अब तो सोने के ना खाने वगैरह कुछ वहाँ पे सोने का कुछ नहीं है, यानी कि लेकिन अंग्रेजों के टाइम पे निष्कर्षण वहाँ पे अच्छा खासा हुआ था सोने का, अंग्रेजों की बनाई हुई फैक्ट्री वगैरह भी आज भी मौजूद है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन सोना अभी भी निकाला नहीं जाता है, वहाँ पे समाप्त हो चुके हैं भंडार, ठीक है। तो उस पर मूवी बनाई गई थी KGF, ठीक है। तो अभी रिलीज हुई थी कुछ दिनों पहले, अब इसका KGF चैप्टर 2 के नाम से जो है वो भी शायद रिलीज होने वाली है आने वाले दिनों में। तो 14वां पॉइंट आप नोट करेंगे, सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है, सोना कर्नाटक की कोलार खानों में मिलता है, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे, इसी में सब पॉइंट मत लिखिए, इसी में आगे लिख लीजिए कि सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के आसपास के कर्नाटक के नवपाषाण युगीन स्थल से मिलता है। 14वां पॉइंट आपका है कि सोना कोलार की खानों में मिलता है, सोने का सबसे पुराना अवशेष 1800 ईसा पूर्व के कर्नाटक के नवपाषाण स्थल से मिलता है, ठीक है। जो कोलार है, यानी कर्नाटक का कोलार जो है, 14वां का सब पॉइंट आप नोट करेंगे, कोलार दक्षिण कर्नाटक के कंगवंशियों की प्राचीनतम राजधानी थी, कोलार दक्षिण कर्नाटक के गंगवंशियों की प्राचीनतम राजधानी थी। देखिए प्राचीन काल में जो भारत में सोना जो अधिकांश आया था वो कहां कहां से प्राप्त किया गया था, प्राचीन काल में जो अधिकांश सोना था वो मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया था, ये भी आप लिख लेना 15वां पॉइंट करके लिख लेना आप 15वां पॉइंट कि प्राचीन, यानी कि अब इतना सोना नहीं था हमारे यहाँ, कोलार और हट्टी की खानों में सोना तो था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, इतना निष्कर्षण हम लोगों ने उस समय नहीं कर पाया था प्राचीन काल में जितना अंग्रेजों ने किया, तभी तो हमारे देश सोने की चिड़िया कहती है, सोने की चिड़िया कहते क्यों, कहने का रीजन यही था कि हमारे यहाँ सब कुछ था लेकिन हमारे यहाँ निष्कर्षण जो किया, जो निकाल निकाल के लेकर भाग गए वो अंग्रेज लेकर भाग गए, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल गई ये चीज़ें यहाँ पर ये मौजूद हैं, उन्होंने सब चीज़ वहाँ से निकाल ली, चाहे वो हीरा पन्ने के खाने हों, सब जो हों सबको अंग्रेजों ने अच्छी तरह से लूट लिया, ठीक है। तो 15वां पॉइंट आप लिखेंगे, यानी प्राचीन काल में अधिकांश सोना, प्राचीन काल में अधिकांश सोना मध्य एशिया और रोमन साम्राज्य से प्राप्त किया गया था, ठीक है, प्राचीन काल में, लेकिन सोने के भंडार खाली करने में अंग्रेजों की हमारे यहाँ मुख्य भूमिका रही है, ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए 16वां पॉइंट है, ठीक है। प्राचीन भारत में हमारे यहाँ जो है रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था हमारे यहाँ प्राचीन भारत में, ठीक है। तो 16वां पॉइंट आप नोट करेंगे, प्राचीन भारत में मध्य भारत, विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था, प्राचीन भारत में कौन विशेषतः मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत में रत्नों और मोतियों का भी उत्पादन होता था। देखिए हमारे जो रोमन व्यापार हमारे यहाँ होता था, हमारे यहाँ मतलब ईसा की आरंभिक सदियों में रोमन व्यापार जो स्थापित हुआ था, उन रोमन व्यापार में हमारे यहाँ के जो रत्न थे इनका प्रमुख स्थान था, ठीक है। तो आप लिख देना 16वां पॉइंट में सब पॉइंट, रोमन व्यापार में रत्नों का प्रमुख स्थान था, समझ जाएंगे रोमन व्यापार कहाँ से होता था, भारत से होता था, इनका प्रमुख स्थान था, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोगों के सजेशंस जो मिले थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये डिसीजन लिया, यानी कि ये आप लोगों काफ़ी सारे लोगों के सजेशंस यही थे कि सर आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट में हम थोड़ा लेंदी लिख लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कोशिश तो यही थी कि आपको शॉर्ट नोट्स करके दूँ, यानी नोट्स का मतलब जो होता है, लोगों ने कुछ ने कहा था कि नोट्स के रूप में आप दीजिए हमें, किताब के रूप में मतलब ज़्यादा लेंदी मत लिखवाइए, तो मैंने सोचा मैं चलो नोट्स के रूप में दे देता हूँ, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैंने किताब के रूप में कर दिया, मुझे तो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप उल्टी सीधी नकारात्मक बातें ना किया करें, देखिए इनसे होना कुछ नहीं है, माइंड डिस्ट्रैक्ट अपना भी करोगे आप, यानी कि आप उल्टा सीधा आप मुझे बोलते हो, ऐसा नहीं है कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, आप भी डिस्टर्ब होते हो, और किसी दिन ये होता है डिस्टर्बेंस में और भी अभ्यर्थी जो देखते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो आप जो कहना है सही एक सही लहजे में कह दीजिए। अभी कल की वीडियो की बात है, एक महानुभाव सज्जन आए और वीडियो में कमेंट करके बोले कि सर आप तो खुद से कुछ नहीं कर सकते हो, कि आपने तो रूरल अकेडमी से का कॉपी कर लिया यहाँ पे कंटेंट, मुझे बड़ी हंसी आई। वो उनका व्यक्ति का कमेंट ही यही था कि सर आपने रूरल एकेडमी का कंटेंट यहाँ पे कॉपी कर लिया, खुद से आपको कुछ नहीं किया गया,
अब मुझे समझ में नहीं आया इन महान भावों को मैं कैसे समझाऊं कि रूरल एकेडमी का जिक्र मैं विगत दो महीनों से करते आ रहा हूं। रूरल एकेडमी बनाया हुआ हमारा ब्रांड चैनल है, जिसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके प्रचार के लिए मैंने उसकी रूरल एकेडमी की स्लाइड पीपीटी लगाई थी वहां पर, तो इन महानुभावों को सुना धोना कुछ नहीं, बस डायरेक्ट बोल दिया कि सर आपने रूरल एकेडमी का कंटेंट कॉपी कर लिया। तो ऐसे ऐसे महानुभाव मुझे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले आप किसी भी चीज को अच्छे से भली बात समझें, परखें, उसके बाद प्रतिक्रिया दें। अचानक से प्रतिक्रिया देने से कुछ फायदा नहीं है। अचानक से आपने बिना पढ़े प्रतिक्रिया दे दी, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।